हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम रियासतें पढ़ने वाले हैं और जो रियासतें हैं उसका हमारा ये पांचवा भाग है। शुरू से हम रियासतें पढ़ रहे हैं। इसके हमने चार वीडियोस कर चुके थे, बहुत दिन से ये वीडियोस नहीं बना पाई थी मैं और बहुत सारे लोगों की कमेंट थे कि इसको कंटिन्यू करूँ ताकि आपकी रियासतें वाला जो पार्ट है वो पूरी तरह कम्प्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुंदेलखंड रियासत ऑलमोस्ट मैं कम्प्लीट करवा चुकी हूँ, दो प्रश्न इसके बचे हुए हैं तो वो मैं आपको इसमें 3 नंबर 5 नंबर 11 नंबर जितने भी प्रश्न आते हैं वो मैंने आपको कवर करवाए हैं। और जहाँ से ये वीडियो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये मेरे रियासतों का नोट्स है जो आप लोग परचेज़ करते हैं, जो आपको पैकेज के साथ मिलता है। और इसको आप अलग से भी ले सकते हैं और पैकेज के साथ भी ले सकते हैं। पैकेज की जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। हमारा जो MPPSC मेंस का पैकेज, इसी तरह प्रश्नोत्तर श्रृंखला में आपको फ्लो चार्ट विद डायग्राम नोट्स मिलते हैं। हर टॉपिक का प्रश्नोत्तर श्रृंखला में कोई भी टॉपिक जो रहता है प्रश्नोत्तर श्रृंखला में उसका आंसर रहता है। जो 39 बुकलेट टोटल मिलती हैं जिसमें 12 बुकलेट आपकी 3 मार्कर की रहती हैं और 27 बुकलेट आपकी 5 नंबर और 11 नंबर की रहती हैं। इस तरह से अगर आप पुराने पेपर सॉल्व पेपर भी लेना चाहते हैं तो 8 फाइल उसकी मिलती, तो टोटल 47 बुकलेट हो जाती हैं। तो इस प्रकार आप ये पैकेज परचेस कर सकते हैं। इनके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप भी मिलते हैं। हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में आपको पूरा नोट्स मिलेगा, जैसे आसान भाषा रहेगी जिससे आपको पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी, आसानी से सब समझ में आएगा। करंट अपडेटेड के लिए ग्रुप भी मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है बुंदेलखंड रियासत की सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति से मतलब होता है किसी भी रियासत की, किसी भी शासक की या किसी भी वंश की, कि उस समय वहाँ का कल्चर कैसा था, उस समय वहाँ का जो मुखिया कौन होता था, वहाँ का रहन सहन कैसा होता था, खान पान कैसा होता था। तो ये सभी सामाजिक स्थिति में आते हैं, वो लोग मनोरंजन किससे करते थे। तो इस ये जो रियासत थी बुंदेली रियासत, इसकी जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, मतलब कि पिता जो होता था घर का मुखिया होता था, उन्हीं की ही सलाह सबको माननी पड़ती थी। जो आजकल हमारा अधिकांश समाज ही पूरा का पूरा भारत ही मोस्टली पितृसत्तात्मक ही है। तो बुंदेली रियासत की सामाजिक स्थिति में सबसे मेन पॉइंट हो जाएगा कि जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। बोली यहाँ की बुंदेली थी। इस भूभाग में सबसे अधिक बोली जो बोली जाती है वो बुंदेली बोली जाती है। हिंदू व जैन धर्म के मंदिर यहाँ की स्थापत्य कला पर प्रकाश डालते हैं तथा बताते हैं कि ये कला प्रेमी थे। मतलब बुंदेली रियासत के बुंदेलखंड में और क्षेत्र में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ है, तो वहाँ पे मोस्टली जो मंदिर बने हैं वो हिंदू धर्म के बने हैं और जैन धर्म के बने हैं। वो हिंदू और जैन धर्म के जो मंदिर थे वो यहाँ की स्थापत्य कला पर प्रकाश डालते हैं तथा ये बताते हैं कि ये कला प्रेमी थे। भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद बुंदेलखंड में एकता और समरसता है। मतलब इतनी सारी सांस्कृतिक विविधता होने के बाद भी बुंदेलखंड में सभी तरह से एकता और समरसता बनी हुई है, मतलब सभी लोग एकता से रहते हैं, समरस जीवन व्यतीत करते हैं। दास दासियों को रखने का उस समय चलन था, मतलब दासियों को अपने काम करने के लिए राजा अपने अधीन रखता था। रूढ़िवाद और अंधविश्वास की स्थिति सघन थी। पुरातन बातों में लोगों का विश्वास था, अंधविश्वासों से भरे हुए थे, रूढ़िवादी थे। ये यहाँ की प्रमुख विशेषता है सामाजिक। वर्णाश्रम धर्म की कट्टरता बड़ी। वर्णाश्रम मतलब होता है कि व्यक्ति जो था वो जन्म से ही जातिवाद का शिकार होने लगा था। वर्ण कर्म के आधार पर उसकी जाति डिसाइड नहीं होती थी। चंदर वरदाई कृत महोबा खंड और जनकवि जगनित कृत आला खंड दोनों की कृतियाँ महोबा की सामाजिक सांस्कृतिक दशाओं का वर्णन करती हैं। चंदर वरदाई में महोबा खंड लिखा है और जनकवि जगनित कृत आला खंड दोनों की कृतियों में क्या हुआ है कि महोबा की सामाजिक सांस्कृतिक दशा का वर्णन किया है। व्यवसाय जो था अपनी उच्चतम अवस्था में था, व्यवसाय अच्छी तरह से होता था। जो एक विकसित अवस्था होती थी उस अवस्था में जो है व्यवसाय होता था। व्यवसाय दो प्रकार के होते थे, एक आंतरिक होता था मतलब अपने ही देश में होता था और एक बाहरी होता था मतलब दूसरे देश में होता था। वर्ण कर्म के आधार पर हुआ, जैसे सोने का काम करने वाला सुनार, लोहे का काम करने वाला लोहार, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई। कुछ छोटी उपजातियाँ भी इस समय सामाजिक व्यवस्था में बनी, जैसे कि कायस्थ, कनौजियाँ। तो इस प्रकार से हम बुंदेलखंड की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बुंदेलखंड रियासत की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। प्रशासनिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था वो होती है कि किस तरीके से राजा जो है उस क्षेत्र का, उस रियासत का शासन करता है, अपना प्रशासन संभालता है। बुंदेल जो थे वो क्षत्रिय जाति के शासक थे, उनकी शासन व्यवस्था इस प्रकार है। नंबर 1 है सम्राट। शासन प्रबंध में सम्राट का सर्वोच्च स्थान होता था। सम्राट की स्थिति जो होती थी वो सर्वोच्च होती थी। सर्वोच्च वो न्यायाधीश होता था और सेनापति सर्वोच्च होता था।
कला प्रेमी राजा होता था और प्रजा रक्षक होता था। तो शासन प्रबंध में सम्राट का सर्वोच्च स्थान होता था। राजा जो होता था वो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, मतलब न्यायाधीश के रूप में भी उसी की बात मेन होती थी, वही सर्वोच्च होता था। सेना नायक सबसे सेनापति जो था वो सर्वोच्च था। कला का बहुत ज़्यादा प्रेमी होता था सम्राट और प्रजा का रक्षक होता था। फिर है मंत्रिपरिषद। बुंदेलखंड रियासत में राजा को सहायता देने के लिए अलग अलग विभाग मंत्रियों को सौंपे जाते थे, जैसे कि वर्तमान में मंत्रिपरिषद होती थी उसी समय बुंदेलखंड रियासत में भी उसी प्रकार की मंत्रिपरिषद होती थी। प्रांतीय ग्राम शासन, साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों और ग्राम में बांटा गया था। गांव का अधिकारी जो था वो ग्रामिक कहलाता था। साम्राज्य को क्या था, छोटे छोटे प्रांत में बांट दिया गया था, छोटे छोटे गाँव में बांट दिया गया था, उसका अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। फिर सैन्य संगठन, बुंदेलों ने एक विशाल सेना का गठन किया था। बहुत सारी उनकी इनकी बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो एक विशाल साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। इन्होंने एक विशाल साम्राज्य सेना गठन की थी। सेना जो थी वो हाथ, घोड़े, रथ और पैदल रूप में थी। बुंदेलों के मराठों से संबंध रहने के कारण इनमें मराठा प्रशासन की झलक भी दिखाई देती है, क्योंकि इनके मराठों से संबंध थे। सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता था वो सेनापति होता था। तो क्या होगा, सैन्य संगठन है, बुंदेलों ने एक विशाल सेना का गठन किया। सेना हाथ, घोड़े और रथ पैदल के रूप में होती थी। बुंदेलों के मराठों से संबंध रहने के कारण मराठा प्रशासन की झलक दिखती है। और सेना का विभाग का जो प्रमुख होता था वो सैन्यपति होता था। तो किसी भी अगर हम रियासत की प्रशासनिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था लिख रहे हैं तो हम पहले सम्राट के बारे में लिखेंगे, उनकी मंत्रिपरिषद के बारे में लिखेंगे, अगर कोई प्रांतीय शासन हो रहा है, कोई ग्राम का शासन हो रहा है वो लिखेंगे, और फिर हम उनकी सैन्य व्यवस्था लिखेंगे। इस प्रकार से हम किसी भी साम्राज्य की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने बुंदेली रियासत के दो क्वेश्चन पढ़े थे। हमारा बुंदेली रियासत पूरा कंप्लीट हो चुका है। पहले की वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम अगली रियासत कल से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप करके मेरे नोट्स ले सकते हैं 6260190944। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।